हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, और कॉमर्स की पाठशाला में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, आज हम करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ अ प्रमोटर। एक प्रमोटर के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, क्या क्या उनके कार्य होते हैं, हम एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए प्रमोटर्स के बारे में। तो इस क्वेश्चन का एक और मैं फंक्शन आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में जो है दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं। हो सकता है आपसे एग्जाम में ये भी पूछे कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ प्रमोटर, तो ड्यूटीज ऑफ अ प्रमोटर में भी आप ये सारे पॉइंट्स को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि ड्यूटीज इस वाले बुक में एक और अलग से टॉपिक दिया हुआ है जहां पर ड्यूटीज ऑफ अ प्रमोटर है, बट फंक्शन एंड ड्यूटीज दोनों पैरेलल है, दोनों साथ में आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपसे ड्यूटी पूछे तो आप फंक्शन लिख दो, फंक्शन पूछे तो ड्यूटी लिख दो, मार्क्स आपको मिलने हैं, ठीक है ना। पर उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, आपको हमारे चैनल का पेज दिख रहा होगा जहां पे आपको ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा। इस ज्वाइन वाले बटन को आपको ज्वाइन करना है, और आप अगर चाहो तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप प्लान को ले सकते हो जहां पे आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। आपको असाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपको नोट्स बहुत ही सस्ते दामों पर मिलेंगे, और आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं जो कि आपको मिलेंगे जब आप हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि ये हमारा बीकॉम न्यू का प्लेलिस्ट है। आपको प्लेलिस्ट में के वाले ऑप्शन में जाना है। आप अगर होम पे भी जाओगे तो नीचे की तरफ आपको बीकॉम न्यू का प्लेलिस्ट मिलेगा जहाँ पे बीसीओसी 131 से लेकर के 138, 183, 184 प्लस जो थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स होंगे वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे जब बुक्स अवेलेबल हो जाएंगे। अभी तक तो बुक्स ही अवेलेबल नहीं है। उनके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको एग्जामिनेशन देने में कोई दिक्कत ना हो। आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करके आपको यहीं पे मिलेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे बहुत कम वीडियोज है, बट बहुत ही जल्द यहाँ पे बहुत सारी वीडियोज होंगी जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाओगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं जो की है फंक्शन ऑफ अ प्रमोटर, राइट। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि प्रमोटर का मतलब होता है कि एक प्रमोटर जो कि कंपनी, जैसे कि जो मेन प्रमोटर होता है वो कंपनी का मालिक ही होता है। कंपनी के मालिक के पास ही सबसे ज्यादा जो है शेयर्स होते हैं, राइट। तो लीगल वे में अगर देखा जाए तो कंपनी का जो मालिक होता है वही प्रमोटर होता है ना, जो कंपनी को प्रमोट कर रहा होता है। बट यहाँ पे उसको ओनर नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे उसको प्रमोटर बोला जा रहा है, राइट। यहाँ पे देखो थोड़ा सा डेफिनेशन जब आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रमोटर प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। प्रमोटर कंपनी को फॉर्म करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो ओनर ही डेफिनेटली उसको बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यू हैव ऑल्सो नोटेड द प्रमोटर मे बी एन इंडिविजुअल, एन एसोसिएशन और अ कंपनी। अब जो प्रमोटर है वो एक व्यक्ति हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है। आपने स्टार्टअप्स का नाम सुना होगा, जहां पे स्टार्टअप जो है स्टार्ट हो रहे हैं तो वहां पे बहुत सारी कंपनीज जो है उसमें पैसा लगा रही है। वहां पे एक व्यक्ति पैसा नहीं लगा रहा, कंपनीज वहां पे पैसा लगा रही है, राइट। तो कंपनी भी एक किस्म का प्रमोटर जो है यहाँ पे हो सकता है। इन देयर कैपेसिटी एज प्रमोटर्स दे परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी एंड सेट इट गोइंग, है ना। तो जो प्रमोटर होता है वो एक तरीके से इन सारे फंक्शंस को करता है जो मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूँ, और कंपनी को आगे की तरफ लेकर के जाता है। सो देयर आर फ्यू फंक्शंस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो द फर्स्ट वन इज टू ओरिजिनेट द स्कीम फॉर फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। तो जो स्कीम होगा, ये जो आइडिया होगा कंपनी के फॉर्मेशन का कि कहाँ पे हमको पैसे लगाने, कितने लगाने हैं, ये काम जो है प्रमोटर का होता है। सो प्रमोटर्स आर जनरली द फर्स्ट पर्सन हु कंसीव द आइडिया ऑफ अ बिजनेस। तो प्रमोटर मेनली वो लोग होते हैं जिनके दिमाग में बिजनेस का आइडिया आता है कि हमें ये बिजनेस करना है, मतलब ओनर है ना, पर इनको ओनर नहीं बोलेंगे, इसको प्रमोटर बोलेंगे। सो प्रमोटर्स आर जनरली द फर्स्ट पर्सन हु कंसीव द आइडिया ऑफ बिजनेस। दे कैरी आउट द नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट वेदर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज पॉसिबल और एंड प्रॉफिटेबल। वो ये भी जानने की कोशिश करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जो आइडिया उनके मन में आया है क्या वो आइडिया पॉसिबल है उसको इम्प्लीमेंट कर पाना, क्या ये आइडिया से प्रॉफिट जनरेट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट जनरेशन ही इनका मेन काम होता है। तो इन चीजों के बारे में वो लोग जो है इन्वेस्टिगेशन करते हैं। देयर आफ्टर दे ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेज टू कन्वर्ट द आइडिया इनटू अ रियलिटी बाय फॉर्मिंग अ कंपनी। तो बाद में जाकर के वो सारे रिसोर्सेज को अपना लाते हैं, इकट्ठा करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं एक आइडिया में, ताकि वो एक कंपनी को फॉर्म कर सकें और उस कंपनी को अस्तित्व में ला सकें। इन दिस सेंस द प्रमोटर्स आर द ओरिजिनेटर्स ऑफ द प्लान एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, है ना। तो जो प्रमोटर्स होते हैं वो ओरिजिनेटर्स होते हैं किसी भी आइडिया के, किसी भी प्लान के और कंपनी के फॉर्मेशन के। आई होप कि पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ये सबसे पहला फंक्शन है, राइट। दूसरा फंक्शन है
to secure the cooperation of the required numbers of persons willing to associate themselves with the project. तो इनका काम ये भी होता है कि cooperation बना के रखना उन सारे लोगों के बीच में जो prospective, you know, investor हो सकते हैं या फिर जो prospective associates हो सकते हैं उस company को लेकर के, उनको एक तरीके से तैयार करके रखना, उसको आपस में मिला करके रखना, रखने का काम जो है, उनके आपस में cooperation बना करके रखने का काम जो है promoters का होता है. So the promoters, in accordance with the whether they want to incorporate a private or a public company, try to secure the cooperation of the persons needed to form the company. तो यहाँ पे क्या करते हैं promoters, सबसे पहले ये decide कर लेते हैं कि उनको private company बनानी है या फिर public company बनानी है, और उसके बाद जो उसके अंदर जो लोग होंगे, जो persons उनके लिए काम करेंगे, not उनके लिए काम करेंगे, जो साथ मिलकर काम करेंगे, उनके बीच में एक अच्छा cooperation रहे, इसको तरीके से काम में लाने का काम जो है, इसको जो है implement करने का काम जो है एक तरीके से promoter का होता है. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी इज 7 एंड दैट फॉर अ प्राइवेट कंपनी इज 2. जैसा कि आपको पता है कि मिनिमम नंबर जो पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए चाहिए वो 7 है और प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए 2 है. आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कि मैक्सिमम नंबर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का कितना है. ठीक है, जल्दी से मुझे लिख करके बताओ. डिपेंडिंग अपॉन द फर्म चूज़न द प्रमोटर्स में डिसाइडेड अपॉन द नंबर ऑफ प्राइमरी मेंबर्स, है ना. तो इसके अकॉर्डिंग जो है डिसाइड कर सकते हैं प्रमोटर्स की कितने मेंबर जो है प्राइमरी लेवल पे स्टार्टिंग में हमारे पास होने चाहिए या फिर होंगे. ठीक है, थर्ड पॉइंट है टू सीक एंड ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द पर्सनल्स विलिंग टू एक्ट एज फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. अब यहाँ पे देखो कंपनी तो फॉर्म हो गया, अब कंपनी को चलाने के लिए डायरेक्टर्स की जरूरत है ना. तो कौन सबसे पहला डायरेक्टर बनेगा या कौन बनना चाहता है, उसके कंसेंट को इकट्ठा करने का काम प्रमोटर का होता है. अगर प्रमोटर खुद डायरेक्टर नहीं बनना चाहता तो वो एक तरीके से सेलेक्ट करेगा कि कौन डायरेक्टर जो है बन सकता है. तो यूनिट 1 में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि कंपनी हैज अ सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट एंड इज मैनेज्ड बाय इंडिविजुअल्स अपॉइंटेड एज डायरेक्टर्स, है ना. तो कंपनी जो होती है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है मैनेजमेंट में, जो कि मैनेज करता है सारे के सारे कामों को, जिसको हम एज ए इंडिविजुअल हम क्या कहेंगे, डायरेक्टर्स बोलेंगे. द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर हाउएवर आर ईदर द प्रमोटर्स देमसेल्व्स और आर अपॉइंटेड बाय देम. जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं ना कंपनी के, किसी भी कंपनी के, या तो वो प्रमोटर खुद होते हैं या फिर उनके द्वारा मनोनीत कोई व्यक्ति होता है, मतलब वो जिनको चुनते हैं वो होता है, है ना. जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रहा था, राइट. सो द प्रमोटर सीक द कंसेंट ऑफ अदर्स, सीक द कंसेंट ऑफ सम इंडिविजुअल्स हुम दे कंसीडर एप्रोप्रिएट सो दैट दे एग्री टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी, है ना. तो वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे लोगों से बात करते हैं जिनको भी वो चाहते हैं कि वो प्रमोटर बने, और जब वो एग्री करते हैं तो फिर वो प्रपोज करते हैं कि इनको जो है प्रमोटर बनाना चाहिए, और बाकी सारे जो मेंबर्स होते हैं चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, वो आपस में मिल करके डिसीजन लेते हैं और फिर उनको अपॉइंट कर देते हैं. मेनी अ टाइम प्रमोटर्स themselves become the first directors of the company. बहुत बार ऐसा होता है कि जो प्रमोटर्स होते हैं वही पहले कंपनी के डायरेक्टर्स बनते हैं, कंपनी के सबसे पहले डायरेक्टर्स बनते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, राइट. चौथा जो फंक्शन है वो ये है टू सेटल अबाउट द नेम ऑफ द कंपनी. तो कंपनी का क्या नाम होगा, किस तरीके से काम करेगा, ये सारी की सारी चीजें जो डिसाइड करने का काम जो है वो एक तरीके से प्रमोटर का होता है. नाम चूज करने का काम जो है वो प्रमोटर का होता है. The promoters have to seek the permission of a registrar of the companies for selecting the name of the company, है ना. तो जो promoter होता है उनको permission लेना होता है registrar of company से कि कौन सा नाम जो है वो अपनी company के लिए choose कर सकते हैं, क्योंकि देखो एक ही नाम के बहुत सारी companies नहीं हो सकती. आप देखना बहुत सारी companies market में ऐसी हैं जो कि जिनका नाम सुनने में एक किस्म का होगा, लेकिन थोड़े बहुत उसमें changes होते हैं. तो registrar आपको allow करेगा कि आप ये नाम ले सकते हो, क्योंकि अगर वो नाम already पहले किसी ने रख लिया होगा अपनी company का तो आप नहीं ले पाओगे, है ना. तो आपको ये बात कौन बताएगा, ये बात आपको रजिस्ट्रार बताएगा कंपनी का, राइट. तो वो आपको उससे परमिशन लेके करना होता है. द प्रमोटर्स यूजुअली गिव 3 to 4 नेम्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस. तो यहाँ पे जो प्रमोटर होता है वो कम से कम 3 से 4 नाम जो है देता है कि इन 3 या 4 नामों में से कुछ मुझे कोई एक नाम जो है वो चाहिए. द प्रमोटर शुड इंश्योर दैट द नेम्स सेलेक्टेड आर नॉट आइडेंटिकल विद और टू क्लोजली रिसेंबल द नेम ऑफ अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी. जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ, है ना, कि कोई और कंपनी अगर वैसा ही नाम उन लोगों ने ले लिया है तो वो कोशिश करते हैं कि सेम नाम या डिफरेंट उससे मिलता जुलता नाम भी वो लोग ना लें, वो लोग कुछ डिफरेंट नाम लें ताकि वो यूनिक लगे, राइट. तो वो इस चीज का भी जो है ध्यान रखते हैं. दे शुड ऑल्सो इंश्योर दैट द सजेस्टेड नेम्स ऑल्सो कन्फर्म टू द ड्राफ्ट रूल्स एंड अदर गाइडलाइंस इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन दिस रिगार्ड. अब इनका काम ये भी होता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉर्पोरेट अफेयर्स है उन लोगों ने बहुत सारी गाइडलाइंस इशू करके रखी है कि आपको इस तरीके से जो है अपने चीजों को करना है, अपने नाम को चूज करना है. तो उस चीजों का पालन करते हुए, उन सारे नियमों को ध्यान में रखते हुए उनको जो है अपना नाम चुनना पड़ता है.
पांचवें नंबर पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है टू गेट द डॉक्यूमेंट ऑफ प्रपोज्ड कंपनी प्रिपेयर्ड, है ना। तो यू विल स्टडी द सर्टेन अमाउंट सर्टेन डॉक्यूमेंट्स लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज बिफोर द कंपनी इज रजिस्टर्ड एंड ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस। तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, राइट, आपको पता भी है कि जो भी जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तैयार करके जो रजिस्ट्रार है उसको आपको देना पड़ता है, ताकि वो जो है इसके अकॉर्डिंग जो है वो सारे काम को करे और आपकी कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाए। तो ये जो प्रपोजल का काम है, डॉक्यूमेंटेशन का जो पूरा काम है, वो एक तरीके से प्रमोटर ही करता है। एज द कंपनी इटसेल्फ डज नॉट एग्जिस्ट बिफोर इनकॉर्पोरेशन, दिस वर्क ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हैज टू बी अंडरटेकन बाय द प्रमोटर। जैसा कि मैंने आपको कहा, तो कंपनी इससे पहले तो एग्जिस्ट करती नहीं है, तो कंपनी के एग्जिस्टेंस के पहले, उसको इनकॉर्पोरेट करने के पहले जो काम होगा ये डॉक्यूमेंटेशन का सारा काम जो है मेनली प्रमोटर्स ही करता है। द प्रमोटर्स ऑन द एडवाइस ऑफ लीगल एक्सपर्ट्स गेट द मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर्ड एंड अरेंज फॉर देयर प्रिंटिंग, है ना। तो वो एक तरीके से जो भी लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं उनके साथ वो लोग बैठते हैं, बैठ करके आपस में डिसाइड करते हैं कि उनका आर्टिकल और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होगा, और फिर उसको प्लानिंग करने के बाद, अरेंज करने के बाद उसको प्रिंटिंग में डाल देते हैं, ठीक है ना। In case the proposed company is a public limited company intending to issue shares to the public after incorporation, the promoters must also arrange to get the prospectus prepared and printed. अब देखो, ये तो प्राइवेट कंपनी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा दिमाग ही लड़ाना पड़ता है, लेकिन जब आप पब्लिक कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो ये जो आपने डॉक्यूमेंटेशन का काम करा, इस काम को करने के बाद जब आप पब्लिक कंपनी स्टार्ट कर रहे हो और अपने कंपनी के शेयर को मार्केट में इशू कर रहे हो, आईपीओ के लिए जा रहे हो, तो जो पब्लिक होंगे ना उनको आपकी कंपनी के शेयर चाहिए होंगे, तो वो कैसे देखेंगे? वो ऐसा तो नहीं है कि बस निकला और ले लिया, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग प्रोस्पेक्टस देखेंगे। तो ये जो प्रोस्पेक्टस बनाने का काम है और इसको इशू करवाने का काम है, प्रिंट करवाने का काम है, ये काम जो है ये भी प्रमोटर ही करता है। छठा नंबर पॉइंट है टू अपॉइंट बैंकर्स ब्रोकर्स एंड लीगल एडवाइजर्स फॉर द कंपनी। तो एक कंपनी में जब कंपनी स्टार्ट होती है तो उसके अपॉइंटेड बैंकर्स होते हैं जो उसको लोन देते हैं, ब्रोकर्स होते हैं जो उसके लिए काम करते हैं, लीगल एडवाइजर्स होते हैं जो उनको लीगल एडवाइस देते हैं। तो इन सबको अपॉइंट करने का काम जो है वो पूरा का पूरा जो है प्रमोटर ही करता है। द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, है ना। तो इनकॉर्पोरेशन जब भी होगा किसी कंपनी का तो वहां पे बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी। द प्रमोटर्स मे नीड टू कंसल्ट द लीगल एक्सपर्ट ऑन सेवरल ऑफ दीज मैटर्स, है ना। तो इस केस में जो लीगल एक्सपर्ट्स होंगे उनके साथ बहुत ज्यादा उठना बैठना होगा प्रमोटर्स को, ताकि वो सारे कामों को कर सकें। देयरफॉर दे अपॉइंट सॉलिसिटर्स टू असिस्ट देम इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे वो क्या अपॉइंट करते हैं, यहाँ पे वो सॉलिसिटर्स अपॉइंट करते हैं ताकि वो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का जो प्रोसेस है उसमें वो हेल्प कर सके, राइट। द कंपनी इज फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट द बिजनेस एंड एज सच डील्स विद द फंड्स एंड देयर मैनेजमेंट। द प्रमोटर्स मस्ट देयरफॉर आल्सो अपॉइंट बैंकर्स ऑफ द कंपनी हु विल रिसीव शेयर एप्लीकेशन मनीज। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि कंपनी जब अस्तित्व में आई तो उसका काम हो गया बिजनेस को कैरी ऑन करना, फंड्स को लेना, मैनेजमेंट के साथ काम करना। तो उस केस में प्रमोटर क्या करेगा, एक बैंकर को अपॉइंट कर देगा जो कि अपनी बैंकिंग एक्टिविटीज को वहां संभालेगा और किसी भी तरह का शेयर एप्लीकेशन का जो मनी होता है उसको वो रिसीव करेगा। इफ द प्रपोज्ड कंपनी इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्रपोज टू रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक, द प्रमोटर मस्ट ऑल्सो इंश्योर द सक्सेस ऑफ द फर्स्ट कैपिटल इश्यूड मेड बाय द कंपनी बाय अपॉइंटिंग अंडरराइटर्स एंड ब्रोकर्स। तो जब पब्लिक कंपनी पहली बार इशू करती है अपने शेयर्स को मार्केट में, तो वहां पे जो सबसे पहला काम होता है वो कंपनी का ये होता है कि वो अंडरराइटर्स को अपॉइंट करे, ब्रोकर्स को अपॉइंट करे, ताकि उनको एग्जैक्ट पता चल पाए कि उनका जो पहला कैपिटल आया है वो कहां से आया है। उनको अंडरराइट करने का काम जो है वो एक तरीके से प्रमोटर अपॉइंट करता है किसी और को, जो कि अंडरराइटर होता है, जो कि इन सारे कामों को करता है। तो इन सारे लोगों के अपॉइंटमेंट का काम जो है वो एक तरीके से प्रमोटर का होता है, जो कि वो करता है, ठीक है ना। सातवें पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है टू सेटल प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। नाउ द प्रमोटर्स मे बी रिक्वायर्ड टू एक्वायर सूटेबल साइट फॉर द फैक्ट्री, मेक अरेंजमेंट्स फॉर प्लांट एंड मशीनरी एंड मे इवन टेक टेंटेटिव अरेंजमेंट्स फॉर की पर्सनल, है ना। तो sometimes, मैक्सिमम टाइम जब कंपनी स्टार्ट हो रही होती है तो कंपनी को प्लांट, मशीनरी, लैंड, फैक्ट्री, इन सब की जरूरत पड़ती है। तो ये फैक्ट्रीज कहाँ लगेंगी, कहाँ से प्लांट लगेंगे, कितनी की मशीनरी आएगी, किस तरीके से ये सारे का सारा का जो काम होगा, ये सारा काम जो है, जो प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट होता है जब कंपनी स्टार्ट होती है, तो उसके पहले आपको बहुत सारे झंझटों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे आपको काम करने पड़ते हैं जो मैंने अभी आपको गिना है, वो सारे काम करने का काम जो है प्रमोटर का होता है। प्रमोटर ही मेनली उस काम को करता है। समटाइम्स इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस द कंपनी मे बी रिक्वायर्ड टू टेक ओवर प्रॉपर्टी
ऑफ ए रनिंग बिजनेस। तो समटाइम्स क्या होता है कि बिजनेस जब चल रहा होता है तो उनको किसी और कंपनी को एक्वायर करना पड़ता है। सपोज मेरे पास बहुत पैसे हैं और मैं मार्केट में जा रहा हूँ काम करने के लिए, तो मुझे पता है कि ऑलरेडी कोई कंपनी है जो कि इस मार्केट में काम कर रही है, तो मैं उस कंपनी को खरीद लूंगा, मैं उस कंपनी को एक्वायर कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास पैसे बहुत है, बिजनेस तो मुझे मिल ही जाएगा उस कंपनी का, है ना। जो काम वो कर रहा है वही मैं काम मैं करूंगा, मैं उस कंपनी को ही एक्वायर कर लेता हूँ। तो यही काम जो है इसमें होता है और ये काम भी हमारा प्रमोटर ही करता है। सो प्रमोटर फुलफिल द फंक्शन ऑफ सीइंग सच प्रॉपर्टी एंड बिजनेस इज एक्वायर्ड बाय द प्रपोज्ड कंपनी ऑन जस्टिफाइबल टर्म्स। तो प्रमोटर क्या करता है, वो चेक करता है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिनको वो खरीद सकते हैं और फिर उसको एक्वायर कर देता है, एक्वायर कर लेता है ऑन जस्टिफाइबल टर्म्स। ऐसा नहीं कि किसी भी प्राइस पे एक्वायर कर लिया, एक अच्छा प्राइस दे करके उनको जो है एक्वायर करता है। अब आठवें नंबर पॉइंट की तरफ चलते हैं, माफी चाहूंगा थोड़ा ब्रेक हो गया था। टू एंटर इन टू प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट विद द वेंडर्स, है ना। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स मेंशन्ड अबव, द प्रमोटर्स वुड हैव नीड सेटल द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स विद द थर्ड पार्टी फ्रॉम दीज द प्रॉपर्टीज आर टू बी बॉट, है ना। तो जब आप एंटर करते हो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट में, जब आप एंटर करते हो किसी भी बिजनेस में, तो बिजनेस में एंटर करने के पहले आपको प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ते हैं बहुत सारे लोगों के साथ, जिनके साथ आप बिजनेस करने वाले हो या फिर जिनकी प्रॉपर्टीज आप बिजनेस करने वाले हो, है ना। तो जो भी प्रॉपर्टीज या फिर एसेट आप इस्तेमाल करोगे उनके साथ प्रोमोटर्स को लाइक वो चीज चाहिए होगी ना, तो उनके साथ बैठ करके आपको टर्म्स एंड सी जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो साइन करने पड़ेंगे ता उन पार्टीज के साथ, ताकि आप अपने काम को ठीक तरीके से कर पाओ। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये वो सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनको हम प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स बुलाते हैं, जो कि बिजनेस के स्टार्ट होने के पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं डिफरेंट वेंडर्स के साथ में, राइट। टू अरेंज फॉर फाइलिंग ऑफ द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार, है ना। तो आपको अरेंजमेंट्स भी करने पड़ेंगे ताकि आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को, जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उनको ले करके रजिस्ट्रार के पास जाओ और रजिस्ट्रार के साथ मिल करके रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसको पूरा करो, राइट। सो द प्रमोटर्स आर रिक्वायर्ड टू पे द स्टैम्प ड्यूटी, फाइलिंग फी एंड अदर चार्जेस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे जो प्रमोटर होता है वो तकरीबन स्टैम्प ड्यूटी पे करता है, फाइलिंग फी पे करता है और जो भी अदर चार्जेस होते हैं उस तरह के चार्जेस को भी वो पे करता है जो कि कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाने में हेल्प करते हैं, है ना। तो कंपनी को खड़ा करना, कंपनी को स्टार्ट करना, कंपनी से रिलेटेड जितना भी खर्चा है स्टार्टिंग में जो है वो प्रमोटर ही करता है। तो प्रमोटर्स आर टू सी दैट द वेरियस लीगल फॉर्मेलिटीज फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी आर ड्यूली कंपाइल्ड विद, है ना। तो प्रमोटर्स का ये भी काम होता है कि वो जो है सारी की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज के ऊपर नजर बनाए रखे और इसके एक तरीके से ध्यान देता रहे कि किस तरीके से जो है कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है और जो भी ड्यूटी जो भी चीजें हैं वो उसके साथ कंपाइल करके चल रही है या नहीं चल रही है, राइट। तो ये सारी नौ की नौ जो यू नो जो फंक्शंस हैं एक प्रमोटर के, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।